इंसान की जो कैरेक्टर है ना उसे जूते से पता चलता है मुझे तो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाइक पे क्या टायर लगा है उससे पता क्या बात है। क्योंकि मुझे ये मानना होता है कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि बोलो भाई व्हाट इज अ परफेक्ट मोटरसाइकिल, कौन सी मोटरसाइकिल अच्छी है लद्दाख के लिए एंड ऑल दैट, दे कीप आस्किंग। सो आई ऑलवेज से दैट कि आप जो अफोर्ड कर पाओगे जो आपके गैराज में दैट इज द बेस्ट बाइक फॉर यू। उस तरह से मुझे लगता है कि हर किसी की पर्सनैलिटी के हिसाब से टायर्स लेना जरूरी है। Everyone, welcome to the world of Rise, the joy of riding. I am Vishal, and today on this podcast we have got one of the most renowned vloggers of India, Mr. Bullu Patnaik, also known as Bullu Biker. और आज हम बात करने वाले हैं उनके राइड्स के बारे में, बाइक्स के बारे में, राइस के साथ कैसे लग रहा है, स्टोर के बारे में कैसे लग रहा है, etcetera, etcetera. So let's start with the store. Welcome to Rise here and the store, of course. आप Rise के maiden store में अंधेरी में आज पहली बार आए हो. सबसे पहले हम store के बारे में शुरुआत करते हैं. तो आपको कैसा overall feel लग रहा है? हेलो नमस्ते। सो मेरा नाम बुल्लू पटनायक है। सो पॉपुलरली लोग मुझे बुल्लू बाइकर के नाम से जानते हैं। मैं 2000 से जो टूरिंग कर रहा हूँ और अब तक जो है मैं करीब करीब 5.5 से 6 लाख किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। एंड एवरी ईयर आई डू अबाउट 35,000 to 40,000 किलोमीटर्स ऑन माई मोटरसाइकिल्स। आई हैड बीन ओनिंग लॉट ऑफ मोटरसाइकिल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मोटरसाइकिल्स, 45-46 मोटरसाइकिल्स अभी तक ओन कर चुका हूँ। और सारे मोटरसाइकिल के साथ लद्दाख टू एक कर लेता हूँ, मतलब अभी तक जो है 10 बार लद्दाख कर चुका हूँ। एंड देन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया हैव डन। सो मुंबई आया तो जैसे मुझे खबर मिला कि यार राइस की नई स्टोर ओपन हुआ है, मैंने बोला यार देखते हैं। अब मेरा तो आइडिया था कि भाई राइस की स्टोर मतलब टायर्स होंगे, क्योंकि मैं अपने मोटरसाइकिल्स में टायर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और राइडिंग गियर्स से सबके बारे में मुझे पता है, बट आई हैव सीन देम ऑनलाइन। आई नेवर विजुलाइज किया भाई स्टोर में भी ऐसे हो सकता है। द मोमेंट आई जस्ट गॉट डाउन फ्रॉम द ऑटो बिकॉज इट वॉज रेनिंग, आई डिडंट प्रेफर राइडिंग। सो जैसे ही मैं उतरा मैं बोला भाई साहब ये क्या है, तो मतलब ये जो होता है ना कि यार बाइकर, किसी भी बाइकर इंसान को यहाँ लेके आ जाओगे उसका पक्का आप जो है मतलब वो बोलते हैं ना कि क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम बिल उस महीने में यही होगा, क्योंकि इतने इतने फैसिनेटिंग चीजें यहाँ पे हैं। आप देखो राइडिंग गियर्स देखो अलग अलग ब्रांड्स की, एंड यू हैव एक्चुअली इंपोर्टेड लॉट ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स। अब इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ एडवांटेज क्या होता है ना, फिट फिनिश कोई भी चीज है आप कोई भी चीज पे कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रूवन है, उन लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है जिस टाइप की वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें कोई चीज की कंप्लेन हो ही नहीं सकता है। सर फॉर एग्जांपल इवन राइस का भी ले लो, राइस की जो टायर्स आता है अगर आप देखोगे सो जो आइडिया जो टेक्नोलॉजी है सब कुछ इंटरनेशनल है, एंड एट द सेम टाइम इंडियन प्राइसिंग पे अफोर्ड मतलब करने वाला जो प्रोडक्ट आप डिलीवर करते हो। तो इसीलिए आजकल तो मैं इनफैक्ट जैसे अभी रिसेंटली मैं संदकफू गया था, वहां पे मैं मोटरसाइकिल राइड करके आ रहा था, मैं बोला यार इतना ऑफ रोड है कौन आता है यहाँ पे, और देखा कि 4-5 बाइकर्स थे ऐसे आ रहे थे, देख के खुश हो गए बुल्लू भाई आके सब बात करने लगे, कोलकाता से थे। और फिर मैं ऐसे देखा कि यार उसमें 60% जो मोटरसाइकिल्स है 60-70% मोटरसाइकिल में राइज है। Wow. So that is how it is spreading, and the reason being that is because the product have very good quality and the pricing is solid. Yes. So India is a very price sensitive market. Yep. So आप price sensitive के साथ quality देना बहुत कम brands कर पाते हैं। True. मतलब वो economics काम भी करना चाहिए। बराबर। So that way obviously, and जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ land करते हैं मुझे वो लग रहा है ना कि अभी मैं वो zone में हूँ। जैसे मेरे पीछे अगर आप background देखो मुझे पता नहीं कितना background आ रहा है। Yep. वो लाइवली वो फील हो रहा है कि आप देखते लगता है कि यार यू आर इन दी मतलब वो बाहर जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं वही फीलिंग यहाँ पे आ रहा है। सो रियली अमेजिंग स्टोर, मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट सच में। मैंने फोटोज वीडियोस में देखा था जब लॉन्च हुआ था, बट इट इज जस्ट पार्ट ऑफ इट दैट यू शो इन फोटोज एंड वीडियोस, बट पूरा चीज देखने के लिए आई थिंक एनीवन हु बिलोंग्स टू मुंबई और कमिंग टू मुंबई ये एक बाइकर्स के लिए एक माइलस्टोन बनना चाहिए कि आपको यहां आना चाहिए एक बार। वाओ वाओ, दैट्स अ गुड वर्ड दैट वी हैव यूज्ड, अ माइलस्टोन फॉर द स्टोर फॉर मुंबई एंड एवरीबॉडी, यू नो ऑल द बाइकर्स आउट देयर। स्पीकिंग ऑफ संदकफू, लद्दाख और ऑल सब जगह जहां जहां पे आपने ट्रैवल किया है, राइस के टायर्स जब आप यूज करके अलग अलग लोकेशन पे जहां जहां पे आपने ट्रैवल किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। सो पहली बार जब मैं राइस के टायर इंस्टॉल किए एग्जैक्टली 1 साल पहले, आई थिंक जून अप्रैल मई जून के आसपास। ओके। सो दैट टाइम आई वाज मेकिंग अ प्लान फॉर लद्दाख एंड जंस्कार ऑन द KTM 390 एडवेंचर। तो तब हम जो है क्योंकि जो स्टॉक टायर्स आता है बेसिकली स्टॉक टायर्स ऐसे होता है कि दे मोर फोकस टू द रोड, आई मीन लाइक 80% लोग जो है रोड पे ही चलाते हैं, सिटी में चलाते हैं, हाईवे में चलाते हैं, बाकी 20% कभी कभार चला जाते हैं ऑफ रोड। बट व्हेन वी थॉट अबाउट जंस्कार हमें लगा कि यार एक कुछ अलग सा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि वो ऑफ रोड पे भी मतलब हमें अच्छा थ्रिल दे, ऐसे नहीं कि यार कॉम्प्रोमाइज हो जाए डर लगे वो सब चीज नहीं होना चाहिए, एट द सेम टाइम हाईवे पे भी अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहिए। That is when I actually installed Rise Moto tires. So सामने पीछे मैंने दोनों चेंज किया था, थोड़ा सा हम लोग कॉम्बिनेशन अलग लिए बिकॉज हमारा प्लान ये था। देखो आजकल लद्दाख ऐसे कि लद्दाख इज लाइक 70-80% वेरी गुड रोड, आई मीन द रोड्स आर इवन बेटर देन जो मुंबई और दिल्ली ये सब, कोई भी आप सिटी फिगर आउट कर दियो लद्दाख के रोड्स बेटर है बिकॉज पहले वो तो BRO बनाते हैं नॉट रेगुलर गाइज, सो इसलिए उनकी क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है।
सो कॉर्नर्स आपको मिल जाता है हिल पे, सबसे बेस्ट कॉर्नर्स आपको वहाँ मिलता है. एंड एट द सेम टाइम जो 20% ऑफ रोड रहता है, दे आर लाइक रियल ऑफ रोड, लाइक कि आपको थोड़ा सा ऑफ रोड मिलेगा. वही लोगों के दिमाग में रहता है ना लद्दाख जाना है. सो उसके लिए हमें टायर चाहिए था कि यार मुझे ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट था कि फ्रंट वाला जो टायर है वो कॉर्नर में मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए एंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए एंड पीछे वाला टायर मुझे ट्रैक्शन अच्छा चाहिए. बिकॉज जब आप फंस जाते हो कीचड़ में विचड़ में, वहां पे पीछे के टायर पर ट्रैक्शन नहीं है फिर तो आपका गाड़ी जो है स्टिल हो जाएगा वहीं. सो दैट इज हाउ वी एंडेड अप कि हां चलो ठीक है हम लोग ट्रेलर पीछे डालेंगे एंड सामने जो टूरर डालेंगे. दैट इज एग्जैक्टली द कॉम्बिनेशन वी हैड ऑन दिस बाइक. एंड पहला जो पैच ऑफ राइड था, सो आई आल्सो कैरीड मेरा कार भी लेके गया था बिकॉज़ माय वाइफ आल्सो वाज गोइंग. सो एक मेरा दोस्त एडिशनल था तो मेरा बाइक कार दोनों था तो मैं कॉम्बाइन करके चला रहा था. एंड देन पहला पैच जो था जो चंडीगढ़ से हम लोग निकले, सो मेरा दोस्त ने चलाया लाइक वेरी इंप्रेसिव. वो बोल रहा है यार ब्लू भाई ये तो मतलब कुछ अलग ही है, टायर अलग ही लग रहा है. सबसे उसको मजेदार चीज क्या लगता है पता है, जब आप रोड से थोड़ा भी नीचे ले लेते हो सो द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इट गिव्स, दैट इज एग्जैक्टली यू फील कि भाई कुछ तो चेंज हुआ है बाइक. यस एंड दैट्स अ वेरी गुड ओरिएंटेशन स्किल्स जो रहते हैं, क्योंकि आप हाईवे 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 चलाते हो सब कुछ सेम लगता है. द मोमेंट यू जस्ट गो डाउन द रोड, जब आप जाते हो आपको सेम लेवल की कॉन्फिडेंस मिलता है. सो दैट इज एग्जैक्टली वेयर दिस ट्रेलर टायर्स एक्चुअली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. वाओ ओके. सो वहां से शुरू हुआ. फिर मैंने बोला मैं और ज्यादा एक्साइट हो गया. मैंने बोला ये नया टायर है देखना है कैसा, ऐसा सोचा था. दोस्त अच्छा फीडबैक दे रहा है एंड दोस्त भी मतलब वो इज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर ऑलरेडी वर्किंग फॉर एन ऑटो कंपनी तो काफी सारा एक्सपीरियंस भी है. ओके. सो देन मैं जैसे ही चलाया सो पहला पैच था मैंने प्रेफर किया कि यार रोड से नीचे ही लेते हैं क्योंकि एक्साइटमेंट वहां है. तो मैंने सारे जगह पे, लद्दाख में क्या होता है ना बहुत सारे लूप्स रहता है और लूप रोड में अच्छे रोड्स रहता है एंड देयर आर आल्सो शॉर्टकट्स जो डिस्प्लेसमेंट में चलता है. मतलब कि लूप ना लेके आप ऐसे सीधा जा सकते हो. मैं वो सब ले लिया. मैंने वो सब ले लिया तो मैंने बोला कि यार तो मेरे कार भी फोर व्हील ड्राइव था तो मैंने मेरे दोस्त को बोला तो मेरे पीछे बचा. सो वो कार में है और मैं वो बाइक पर ले रहा था. सो एवरी प्लेस देयर वर अदर बाइकर्स जो ऐसे लूप लेके जाते थे, हमेशा देखते थे ये लड़का आगे कैसे आ गया, क्रॉस तो नहीं किया आगे कैसे. बढ़िया. द टायर्स रियली प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. तो वहां पे मेरा एक्सपीरियंस पहला आया कि लद्दाख पे. ओके. सो थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया मैंने, मतलब एक डेस्टिनेशन पे लेकिन स्टोरीज. सो वहां से फिर मैंने जो है वहां से फिर मनंग गया. सो मनंग इज, सो नेपाल इज लकीली फॉर एडवेंचर राइडर्स लाइक मी, दे विल लाइक नेपाल बिकॉज वहां पे बहुत सारा ऑफ रोड्स है. वहां रेगुलर रोड्स भी थोड़ा ऑफ रोड टाइप की रोड्स है. सो हमने मनंग एक जगह है वहां गए. मनंग जो है उसमें क्या होता है बहुत सारा स्टीप स्टीप चढ़ाई रहता है, लंबा लंबा स्टीप चढ़ाई रहता है पर चढ़ता जाता है चढ़ते जाते हो. तो वहां पे मैंने फिर मैंने सीबी 350 आरएस पे गया. एंड मेरा क्या है ना सारे के सारे ट्रिप में अलग मोटरसाइकिल पे करता हूँ. आई ऑलवेज लाइक टू टेक डिफरेंट मोटरसाइकिल टू डिफरेंट प्लेसेस. उसकी रीजन ये है कि क्योंकि मुझे ये मानना होता है कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि बोलो भाई व्हाट इज अ परफेक्ट मोटरसाइकिल, कौन सी मोटरसाइकिल अच्छी है लद्दाख के लिए एंड ऑल दैट, दे कीप आस्किंग. सो आई ऑलवेज से दैट कि आप जो अफोर्ड कर पाओगे जो आपके गैराज में दैट इज द बेस्ट बाइक फॉर यू. सो इसलिए मैं उन्हें ये देता हूँ कि देखो मेरे पास, इनफैक्ट मैंने एक बार नॉर्थ ईस्ट एक्स और सॉरी अपना एरोक्स स्कूटर पे किया था. सो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यार बाइक बहुत, बाइक डेफिनेटली मैटर करता है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट बॉयज डाउन कि आपके पास कितना पैसा है. उसके हिसाब से जो आप अफोर्ड कर पाओगे वही आपके लिए बेस्ट बाइक है, उससे बियॉन्ड आपके देखने की जरूरत नहीं है. सो आप वो बाइक को रेडी करो लेकिन छोटे छोटे चीजें जैसे टायर. टायर आपकी एक्सपीरियंस को टोटली चेंज कर देता है. सीबी 350 आरएस जो है जो स्टॉक टायर आता है इट इज लाइक ए 90-10 प्रोफाइल टायर. मतलब 90% अच्छे रोड पे चलाओ, 10% ऑफ रोड करो. मैंने उसमें ट्रेलर लगाया, 50-50 टायर लगाया तो एक्सपीरियंस ही चेंज कर दिया. तो मनंग का एक्सपीरियंस हो गया. देन उसके बाद मैंने नॉर्थ ईस्ट किया एंड और बीच में तो बहुत सारे मैंने ऐसे ट्रिप किया. मतलब ये जो जगह मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा पॉपुलर टाइप जगह है एंड सबसे एक्सट्रीम जो मेरे लाइफ की राइड है वो अब तक जो है ये संदकफू वाला राइड रहा. एंड संदकफू मतलब ऐसी राइड है कि एक पॉइंट पे मुझे लग रहा था यार क्या ये जरूरी है इतना एडवेंचर. मतलब जब आप एक्सट्रीम में थक जाते हो सुबह से लेकर शाम तक वही चल रहा है वही चल रहा है अपहिल और उबरा खुबरा रोड वो सब चलता रहता है, लगता है हाथ पैर दर्द करने लगा. सो कभी कभी लगता है. सो इट इज दैट काइंड ऑफ राइड. बट हाँ वहाँ पे वो फीलिंग आता है जैसे आप वापस आ जाते हो फिर लगता है कि यार वही करते हैं फिर सही था. I completely agree. It was all worth it. घर पे आके सेल लग जाता है, right? So वहाँ पे भी हमने recently Scrambler 400 XP किया. So the Scrambler ride was actually a collaboration with Triumph Motorcycles. But they also wanted to see that कि Triumph जो Scrambler है, real life में कैसे perform करता है. No doubt they have their own testing team और सब कुछ करते हैं. But एक rider के perspective पे, एक tourer के perspective पे कैसे काम करता है. So that is how we did. एंड वहां से ही हमारा जो ये अभी मैं बहुत सारे सिटीज में मीटअप्स कर रहा हूँ. इट इज एन एक्सटेंडेड कोलैबोरेशन की अपने एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं. लवली. सो दैट्स हाउ. सो ऑल द जहां भी मेरा कोलैबोरेशन वो मीटअप्स चलता है आई आल्सो से देम कि देखो
ये मोटरसाइकिल एकदम फाइन है, आप खाली इसके टायर्स बदलो, देन यू हैव डन। मतलब ये ऐसे वंडर्स करेगा जो आप समझ में नहीं पाओगे भाई ये मोटरसाइकिल को ये चीज कर सकते हैं। सो ओवरऑल आपको बताऊं कि हाँ, राइज मोटर के साथ जो टायर्स के साथ सी, मेरा पर्सनल फेवरेट तो डेफिनेटली ट्रेल आर है, बट हर बाइक की मैं अब ट्रेल आर मैं इवन दो मैं कर लेता हूँ सब में इच्छा तो वैसे है, लेकिन वैसे अलग अलग टायर्स भी ट्राई कर सकते हैं। ये प्योरली डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह के राइडर हो ना। मैं बहुत ज्यादा मोटोक्रॉस लेवल की ऑफ रोड करता हूँ, ना मैं बहुत ज्यादा हाईवे और ट्रैक वो करता हूँ। आई एम समवेयर बिटवीन की मुझे हल्की फुल्की ऑफ रोड भी अच्छा लगता है एंड अच्छे रोड से अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, अगर एक डेस्टिनेशन को दो रोड मिलता है और एक थोड़ा सा ट्रेल वाला रोड है, एक ये, तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि यार ट्रेल वाला चलते हैं, मजा आएगा। तो वो चीज है। लवली, सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ कि हम लोग राइज मोटो को अपने लाइफ का एक पार्ट बनाया एज ए राइडर कम्युनिटी। एंड नॉट जस्ट मी, आफ्टर मी दैट सेम फ्रेंड जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, वो पहले ही आके उसके बाइक पे बदला, एंड देन ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग द वर्ड टू अदर फ्रेंड्स। आज के डेट पे तो ऐसे हो गया कि मैंने बीच में एक बाइक रेंट करने के लिए गया था, सर रॉयल ब्रदर्स देयर इज अ कंपनी हु रेंट्स आउट मोटरसाइकिल्स इन बैंगलोर। सो मैं वहां गया था तो मैंने देखा, अरे यार राइज मोटो हर, क्योंकि लोगो एविडेंट है, येलो कलर की लोगो है, दूर से दिख जाती है और टायर पैटर्न भी पता चल जाता है। सो I think a lot of people have now understood ki how these tires are. Great, that is. Ki aapne jaise location Rise ke tires alag alag location pe ride kiya, वैसे आपने detail में बताया, thank you. वैसे Rise ke tires लगा के आपने अलग अलग bikes भी चलाई होंगी, तो उसका experience कैसा रहा आपका? So देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे लद्दाख वाला हमारा ride था, तो मुझे हमेशा ये लगता है जैसे आप कोई भी type की मान लो कि riding gears खरीदते हो, हर ब्रांड हर किसी को सही फिट नहीं होता है, क्योंकि हर ब्रांड की फिटिंग रहता है। तो उस तरह से मुझे लगता है कि हर किसी की पर्सनालिटी के हिसाब से टायर्स लेना जरूरी है। सो टायर्स आर एज सिमिलर एज योर बूट्स, कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में जैसे जूते पहनते हैं, कोई स्पोर्ट्स शूज ज्यादा पहनता है, कोई फॉर्मल पहनता है, कोई स्नीकर्स पहनता है, कोई कुछ अलग पहनता है। सो अपने पर्सनालिटी और यूसेज के हिसाब से पहनते हैं। तो राइज के पास एडवांटेज क्या पता है, हर टाइप की ऑडियंस के लिए टायर है। जैसे आप मान लो कि खाली हाईवे करना चाहते हो, आई नीड मोर माइल्स, कि मेरा मतलब किलोमीटर ज्यादा चलना चाहिए, टायर की लाइफ ज्यादा रहना चाहिए, देन यू हैव अ टायर जिसमें आपको वो फ्लैट वाला वो मिल जाता है, ट्रेसर्स। एंड देन अगर आप बोलते हो नहीं यार, मैं ना कभी कभी मतलब मुझे लगता है कि यार रोड के नीचे भी ले लेते हैं, तो देन यू हैव अ टूरर, कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू डू टूरिंग, यू डू सिटी एंड ऑल, एंड कभी कभी आपको थोड़ा सा उतरना पड़ता है। हाँ हाँ, और वो कैसे टाइप की मोटरसाइकिल जो आजकल के जितने सारे स्क्रैम्बलर टाइप की बाइक्स है, उसमें जनरली वैसे ही टायर्स अच्छा लगता है। एंड देन यू आर ए पर्सन जो कि लगता है कि नहीं यार, मुझे ना ट्रेल राइड से अच्छा लगता है, बाकी दिन तो मैं एक्टिवा यूज करता हूँ सिटी में ऑफिस जाने के लिए, या कार यूज करता हूँ, और मैं वीकेंड्स में कभी कभी बाइक निकालता हूँ तो भाई मैं चलता हूँ कहाँ, इन सर्च ऑफ अननोन लैंड्स। तो वहां पे आप फिर ट्रेल आर आपके पास है जो 50-50% परफॉर्मेंस देता है। आप ट्रेल तक पहुंचना भी तो मतलब रोड से पहुंचना है। सी नॉर्मली क्या होता है ना, जितने सारे ऑफ रोड स्पेसिफिक टायर्स है वो लोग रोड में बिल्कुल अच्छा काम नहीं करता, आपको खुद ही लगेगा भाई साहब मतलब जान हथेली पे रख के चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज ऑन द कॉन्फिडेंस। ट्रेल आर की मुझे पर्सनली अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि उसकी हाईवे की परफॉर्मेंस कोई खराब नहीं होता है। अभी रिसेंटली मैंने जो है NX500 पे होंडा का, उसमें भी मैंने इंस्टॉल किया, इफ यू सी इट इज मोर ऑफ ए हाईवे बाइक, मतलब टूरिंग वाला बाइक है, इट्स नॉट लाइक ट्रांसल्प की समथिंग जिसमें आप ऑफ रोड करोगे। बट जैसे मैंने बताया कि मेरा कैरेक्टर वही है कि मुझे अच्छा लगता है ट्रेल्स में चलाना, सो देन आई थॉट कि द फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज चेंज द टायर्स। तो मैंने टायर चेंज किया, अब मेरा हाईवे पे भी अच्छा चलता है एंड ट्रेल पे भी चलता है। सो ये चीज है। सिमिलरली अगर मान लो कि आप अभी जो टायर जो शायद पब्लिक को आई थिंक एक्सेस है कि नहीं, जो टॉर कार है इनकी, तो आप नहीं पूरा हार्ड कोर भाई मैं तो पूरा मोटोक्रॉस सीखना है मुझे, कंप्लीट डर्ट पे उड़ा के जाना, तो फिर आप टॉर कार। तो सो देखिए, राइडर के माइंडसेट के हिसाब से द ब्रांड हैज टायर फॉर यू। वाओ, सो दैट इज व्हाट इट इज, सारे टाइप की बाइक्स के हिसाब से है, हिसाब से कस्टमाइज्ड टायर्स आपको पर्सनलाइज्ड टायर वैसे भी मिल जाते हैं, राइट। एंड इनफैक्ट देयर आर आल्सो कपल ऑफ साइजेस जिसके लिए टायर मिलना डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप देखो इंटरसेप्टर, ये सब जो बाइक्स है उसमें मिलना डिफिकल्ट होता है। सो आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि आजकल मेरे दोस्त वही ढूंढ ढूंढ के आते हैं कि अरे ब्लू भाई ये बाइक के लिए मिलेगा, टायर नहीं मिल रहा है। सो दैट्स वेयर आई थिंक कि ब्रांड ने बहुत अच्छी जगह पे पोजीशन किया अपना प्रोडक्ट। यस, दोस आर द एग्जैक्ट गैप्स दैट वी वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एंड वी आर ट्राइंग टू रीच आउट, राइट, जहां पे टायर सिर्फ साइजेस के हिसाब से नहीं लेकिन टेरेन के हिसाब से भी आपके रीच को मिले, ऐसे हम ट्राई कर रहे हैं। एंड इट इज ग्रेट टू नो फ्रॉम समबडी लाइक यू हु इज सो इनटू एडवेंचर राइडिंग एंड राइडिंग एंड मोटरसाइकिल्स एंड द कम्युनिटी ओवरऑल, उससे ये फीडबैक, उस सेक्शन से ये फीडबैक आ रहा है, तो वी आर रियली मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोलूंगा। जैसे वो फिल्म मैंने देखा था कि लाल सिंह चड्ढा, अगर आपने देखा होगा, आमिर खान का मूवी है, तो वो ट्रेन में बैठा रहता है, फिर बोलता है कि इंसान की जो कैरेक्टर है ना उसे जूते से पता चलता है। मुझे तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाइक पे क्या टायर लगा है उससे पता चलता है। गुड वन, गुड वन, राइट, परफेक्ट, परफेक्ट। इंसान की, सो राइडर की कैरेक्टर जो है ना उसकी बाइक की टायर देख के पता चलता है कौन सा गे
टायर, कौन सा बाइक है, वो सब बाद में आता है। पहले टायर देख लो, टायर देखने से आपको दिमाग समझ में आ जाता है भाई ये दैट इज ग्रेट टू नो, थैंक यू। नाउ लेट्स स्विच फ्रॉम टायर्स टू गियर फॉर अ लिटिल बिट। आप अभी करंटली एसर बीस का रामसे जैकेट यूज कर रहे हो, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? राइट, तो देखिए राइडिंग जैकेट्स के बारे में कुछ शेयर करना मैं चाहूंगा। सो मैंने जितना अपने एक्सपीरियंस से देखा है, तो पिछले जैसे मैंने आपको बताया कि 20 साल 22 साल तो हो गया मेरा टूरिंग में, और उसमें से राइडिंग गियर जो एक्सेस मिला इंडियंस को कुछ 12-13 साल पहले, उससे पहले बहुत सारे राइडिंग गियर्स नहीं होता था, जो लोग लाते थे वो सब फॉरेन से इम्पोर्ट करके पहनते थे। सो तब ना लोगों को ये समझाना बहुत डिफिकल्ट होता था कि यार राइडिंग गियर कैसे आपको प्रोटेक्ट करता है, इनिशियल लेवल पे लोगों को समझाना पड़ता था। आज के डेट पे लकीली हम लोगों को वो समझाना जरूरी नहीं है कि राइडिंग गियर आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है, बट इसमें एक गैप क्या है, जो राइडर्स है ना उनको ये लगता है कि राइडिंग गियर्स जो है ना खाली मुझे हाईवे टूरिंग के लिए चाहिए, मैं अगर सिटी में बाइक चलाता हूँ तो नहीं चाहिए। उसका दो रीजन से, एक रीजन क्या है ना, एक तो लोगों को लगता है कि यार जो राइडिंग गियर मैंने लिया है वो काफी भारी है और मुझे जो है मतलब हाईवे टूर पे मैं अफोर्ड कर लूंगा, मतलब वो भारीनेस को, मतलब क्या बोलते हैं, हेवीनेस को अफोर्ड कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम माइंडसेट से मैं टूरिंग के लिए जा रहा हूँ। लेकिन सिटी में क्या होता है, बहुत ट्रैफिक होता है, वो होता है। दूसरी बात यह है कि जो राइडिंग गियर्स होता है वो बहुत गर्म कर देता है बॉडी को, अगर हवा नहीं लगता है, अगर आप धीरे धीरे क्रॉल करके जा रहे हो तो उसमें क्या होता है ना, वो वेंटिलेशन सिस्टम इतना बढ़िया नहीं है, वहाँ एग्जैक्टली फिट होता है रामसे की जो मतलब एसर्बिस की जो जैकेट है। सो टू पॉइंट्स जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, एक से फॉरगेट अबाउट कि प्रोटेक्शन क्या दे रहा है क्या नहीं, वो तो एनीवे इट इज एन इंटरनेशनल जैकेट तो दे विल फॉलो दैट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बट द प्रैक्टिकल थिंग, द मोर प्रैक्टिकल थिंग इज दैट कि जब कोई आदमी अगर ऑफिस के लिए जा रहा है तो उसको ना वो भारी ने एक प्रॉब्लम कर रहा था, जो कि एक बहुत लाइट जैकेट है। इस ये जैकेट को आप जब पहनोगे, अच्छा देखिए मार्केट में बहुत सारे जैकेट है जिसमें शायद ग्राम्स के हिसाब से लिखा हो कि ये लाइट है, बट एक चीज होता है कि लाइट होना और लाइट फील करवाना, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। True. मोटरसाइकिल्स में भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास रॉयल एनफील्ड की हिमालयन है एंड वी हैव द होंडा एनएक्स 500, बोथ ऑफ देम आर 195 केजीस, बट आप एनएक्स 500 पे बैठ के जैसे उठाओगे यू विल फील दैट इट्स लाइक ए 150 सीसी मोटरसाइकिल। सेम थिंग व्हेन यू सिट ऑन द हिमालयन एंड यू ट्राई टू लिफ्ट, यू फील इट्स अ हेवी बाइक। व्हाई? इट्स अबाउट द इंजीनियरिंग कि कैसे वेट मैनेजमेंट किया गया है। So that is exactly where R&D की cost लगता है, उसी के वजह से एक expensive है, दूसरा सस्ती है, आधा cost में almost आ रहा है। So this is exactly where वो पैसा जाता रहे। So similarly ये जो रामसे की जैकेट है इसकी ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छी है। पहले आप जैसे ही जैकेट पहनोगे, सो पहनने के बाद आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि यू आर वेयरिंग ए जैकेट। Yes. So वेट का प्रॉब्लम गया। बराबर। सेकंड प्रॉब्लम जो हमने बोला कि यार गर्म बॉडी को हीट करता है, हाँ। तो ये चीज में वेंटिलेशन सिस्टम इतना बढ़िया है, यू डोंट इवन फील दैट कि यार सच में आपने ड्रेस के ऊपर एक जैकेट पहना है। सो इसी के वजह से इसकी एडवांटेज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। okay. कि बहुत सारे लोगों को ये इनकरेज करेगा कि आप ऑफिस के लिए भी राइडिंग गियर यूज करो। देखो हम लोग ये सोचते हैं कि यार टूरिंग में हमें एक्सीडेंट होने से डैमेज होगा, बट फैक्ट ऐसा है कि मेरा एक दोस्त था जो रैली करता था, और रैली में कभी गिरा कुछ उसको कुछ नहीं हुआ, एक बार सिटी में चला रहा था ऐसे कोई टर्न लिया और गिर गया, उसका हाथ टूट गया। होता है कभी कभी क्या, आपको बड़े बड़े चीजों में कुछ नहीं होता, छोटे छोटे चीजों में हो जाता है। सो देखिए सेफ्टी एक ऐसी चीज है कि एक दिन जिस दिन वो काम आएगा उस दिन आपको रियलाइज होगा कि भाई सेव कर दिया। मतलब एक जगह पे आप गिर जाओगे, कुछ छिल गया, कुछ ये हो गया, उसको रिपेयर करने में टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगा, टाइम, एनर्जी, मनी सब तो जा रहा है। राइट, व्हाई डोंट यू वेयर अ जैकेट। तो वो है, तो आई थिंक दैट वे एसर्बिस की जो प्रोडक्ट है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। सो आई एम नॉट येट ट्राइड द टूरिंग जनरल प्रोडक्ट्स, बट आई एम श्योर कि अगर ये अच्छा है तो वो सेम काइंड ऑफ रिसर्च उसमें भी गया होगा। राइट राइट, परफेक्ट, ग्रेट। सो दैट्स ये आपने रामसे जैकेट ना आप जब यूज करते हो उसका एक्सपीरियंस आपने जैसे शेयर किया, वैसे आप ये जैकेट पहन के जब कोई इवेंट पे जाते हो तब वो लोग कैसे देखते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं क्या? बिल्कुल। सो ये जैकेट ना थोड़ा ब्राइट है, मतलब जैसे ब्लू कलर है और थोड़ा डिफरेंट लगता है व्हेन यू कीप इट असाइड टू लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। इंडियन ब्रांड्स तो सारे मेरे पास है, तो जब मैं पहनता हूँ वो डिफरेंस पता चलता है। आई हैड बीन टू ए होंडा की ऑफ रोड इवेंट चल रहा था बैंगलोर में, So, मैं जैसे उसको पहन के आया तो मेरे होंडा में बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब जो होंडा पे अच्छे पोजीशन पे हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट मोटरसाइकिल्स, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ। सो आते ही उन्होंने बोल दिया अरे गर्मी इतना हो रहा है, जैकेट आप मुझे दे दो अगर आपको यहाँ नहीं रखना है। तो बेसिकली दे आस्किंग कि सबको जैकेट वर्क ये करके थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। बराबर। मुझे बोले कि नहीं आप अगर नीचे कहीं नहीं रखना चाहते मैं अपने स्टोर में रख देता हूँ आप अंदर। मैंने बोला नहीं नहीं मुझे कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। That's how the whole event difference. I didn't have to remove the jacket. Oh wow. And everyone was noticing my jacket. They were happy. Arey, is there this game hai? Aise people lovely, are asking. Lovely. So that's right. The thing. Okay. Nice. So now we are going to come to our last question. Mm-hmm. You have been with Rise ke saath apna engaged ho for more than a year now. Mm-hmm.
राइट. तो ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस कैसे लग रहा है राइस के बारे में, टायर्स के बारे में, अबाउट अस एंड अबाउट द गियर और हमारा जो फ्यूचर है, आपको कैसे लगता है, एक्सपीरियंस कैसा रहा? सी देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज, देखिए मैंने तो बहुत सारे कंपनीज के साथ काम किया है, लेकिन देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज जो आप अगर कोई चीज उनको एक फीडबैक देते हो, एक सजेशन देते हो, दे लिसन टू यू एंड सुनने के बाद इंप्लीमेंट करते हैं. आई थिंक राइस इज वन अमंग देम. बहुत सारे टाइम ऐसे हुआ है कि मुझे, मैंने टायर्स के बारे में बहुत सारे फीडबैक्स भी दिए हैं. सो दिस इज अ कंपनी व्हिच नोट्स डाउन योर फीडबैक कि हाँ ये है कि वो है, तो उस हिसाब से एक बहुत अच्छा है. दूसरी बात, मैंने एक देखा कि इनके जो फॉर्मेट है बहुत बढ़िया है. मतलब देखिए ऐसे बहुत सारे कंपनियां आते हैं, दे मेक गुड प्रोडक्ट्स बट कभी मार्केट में रीच करने की कोशिश नहीं करते हैं. आई मीन दे जस्ट लिमिट देमसेल्फ टू वन पर्टिकुलर प्लेस और समथिंग. बट इफ यू सी एज ऑन डेट, राइज ने एक अच्छा मार्केटिंग फॉर्मेट भी मतलब प्ले किया है, बहुत सारे लोगों को एसोसिएट किया, लाइक राइडर्स लाइक मी. अगर आप देखोगे तो एसोसिएशन से दोनों का प्रॉफिट होता है. एक तो एज ए यूट्यूबर, एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर, मैं जब, और एज ए ट्रैवलर, तो मैं जब ट्रैवल करता हूँ, एक ब्रांड को कैरी करता हूँ, सो मुझे एक फील गुड फैक्टर भी आता है. एंड अब ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिल जाता है ब्रांड से. एंड सेकंड चीज, ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो क्या होता है, जैसे कोलैबोरेशन हम लोग करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि एक ब्रांड के साथ आप एक कोई कंटेंट कुछ बना दिए, अपलोड कर दिए, क्या उससे हम लोग कोई ऑडियंस की ट्रस्ट फैक्टर को जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे. व्हेन ऑडियंस सी यू दैट यार ये बंदा खुद साल भर बहुत सारे ट्रिप में खुद यूज कर रहा है, अगर उसको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फिर तो वो टायर रखेगा नहीं. देखिए वीडियो बनाने तक तो एक बार हो गया, उसके बाद तो रखने की जरूरत नहीं. कोई भी आप चाहे जितना भी मार्केटिंग कर लो, एट द एंड ऑफ द डे अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है सो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. एक्जेक्टली. नाउ आई माई सेल्फ बीइंग एसोसिएटेड और नॉट, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन द प्रोडक्ट, सो दैट्स व्हाट मैटर्स अ लॉट. And वो कॉन्फिडेंस फिर ना धीरे धीरे लोगों को भी पास होता है. Yes. तो वो चीज है. Yes. Lovely. That was going to be my last question, but as a motorcycle, you know, I am into riding for more than 2.5 decades now. और मैं खुद एक motorcycle enthusiast हूँ. Right. मैं ride भी करता हूँ. एक सवाल मुझे आपको पूछना है कि आज तक आपने जितनी भी rides की है उसमें से जितने भी stories आए हैं, right. वो टॉप वन वाला स्टोरी कौन सा है आपका, और जिस सिर्फ एक दो मिनट में आप मुझे वो एक स्टोरी अगर बता. देखिए मैंने बहुत सारा ट्रिप किया है और सबसे जो टॉप स्टोरी ये रहेगा कि थोड़ा सा फनी सा इंसिडेंट था. ओके. हम लोग जो है अपर मुस्टैंग ट्रिप कर रहे थे. सो अपर मुस्टैंग ट्रिप जो है मेरे लिए बहुत मेमोरेबल ट्रिप है. सो हीरो की एक्सपल्स इमीडिएटली लॉन्च हुआ था एंड देन आई हैड अ कोलैबोरेशन विद हीरो. सो उस टाइम पे मैंने फिर एक्सपल्स को लॉन्च होती इमीडिएटली हम लेके चले गए. दैट वाज लाइक द मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ रोड आई डिड इन माय लाइफ बिकॉज थ्रू आउट द डे 3-4 दिन पूरा चल रहा था अपर मुस्टैंग की सीरीज. इनफैक्ट अभी भी लोग जब देखते हैं ना वो एक सीरीज है लोगों के दिमाग में. Yes. अब भी मुझे लोग मिलते हैं बोलते हैं बोलू भाई क्या सीरीज था यार. सो इसमें एक फनी सी इंसिडेंट ये हुआ था कि हम लोग क्या किए ना, नेपाल एक्चुअली चाइना के साथ कनेक्टेड है. सो बेसिकली टिबेट को तो आपको पता है कि नेपाल मतलब चाइना ये क्या है, नाउ इट इज चाइनीज बॉर्डर. तो वो बॉर्डर में क्या होता है ना, एक होता है बॉर्डर पिलर होता है, उसके बाद क्या होता है ना कि आपका बॉर्डर एक्चुअल बॉर्डर शुरू होता है जहाँ पे वो कांटो वाला तार वाला बॉर्डर रहता है. सो द गैप इज अबाउट 100 meters. हमने वो पिलर देखा, हमें कुछ समझ में नहीं, एक साइड नेपाली लिखा था एक साइड चाइनीज लिखा था. अच्छा. हमारे कहा कुछ तो है ऐसे. हाँ, कुछ है जैसे पिलर है वो समझ में आया. हाँ, बट बॉर्डर हमें लग रहा है कि वो बॉर्डर है. अच्छा. तो हमने अपना बाइक वाइक लेके पूरा उस तरफ चले जाके वहां पे भी मेरे दोस्त कुर्ग से थे, वो डांस वांस कर रहा है, वीडियो बना रहा है. अच्छा. एंड सडनली हम लोग देखे कि चाइनीज की आर्मी की गाड़ी आ गया. Ooh. और पुलिस आ गए, मतलब चाइनीज पुलिस का. राइट. और 4-5 पुलिस आ गए, वेपन अपन लेके आ गए. हम लोग टेंशन क्या करें, अब भाग भी हम भागेंगे तो पीछे से कहीं गोली मार रहे. वो जब आ रहे थे मैं जस्ट हेलमेट पहन के मेरा गोप्रो ऑन किया था, थोड़ा सा कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो गया. अच्छा. फिर हुआ क्या है, फिर हमें उनको कन्विंस किया कि हमें पता नहीं है कि हम तो इंडिया से आए. हाँ. वो बोला कहाँ से आए, फिर हम लोग बोले इंडिया से आए. फिर उसने बोला कि इधर कोई फोटो लिया है तो फोटो 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 ऐसे बोला. अच्छा. मैंने बोला माय फ्रेंड इज फोटोग्राफर. उसका कैमरा मोबाइल पकड़ा दिया, वो डिलीट विलीट कर दिया. तो वो फिर कर लिया. फिर क्या हुआ, एक दोस्त का हेलमेट वहां रह गया चाइना में. और मुझे पुलिस ऐसे पॉइंट कर रहा है, वो हेलमेट के लेके आ. अब मैं टेंशन में, भाई मैं जाऊंगा कहीं पकड़ लेगा मुझे वहां से. अच्छा. ये था, लेकिन कुछ हुआ नहीं. दे आल्सो अंडरस्टूड कि नहीं गलती आ गए. राइट. तो आ गए, लेकिन हां वो मेमोरी रहेगा पूरा. सर मुझे, मैंने ये वीडियो शेयर भी किया था, बहुत सारे लोग शेयर किए थे. आई रिमेंबर लकी अली जो सिंगर है उन्होंने भी अपने पेज पे शेयर किया था. अच्छा. लवली.
मतलब अच्छा था वो एक एक्सपीरियंस जो लाइफ लॉन्ग याद रहे. लवली ग्रेट. वेल ग्रेट. इतने सारे आपने स्टोरीज बताए हमें विथ राइस टायर्स एंड राइस गियर्स. थैंक यू फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल द स्टोरीज विद अस. हमारी यही इच्छा है कि आप जैसे अपने स्टोरीज बताए हैं विथ राइस टायर्स एंड गियर, आपके उतने ही स्टोरीज ज्यादा बढ़े, ज्यादा अलग अलग मोटरसाइकिल्स में, अलग अलग कंट्रीज में आप ज्यादा राइड करो विथ राइस टायर्स एंड राइस गियर. ऑफ कोर्स एंड अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.